एक द कटरा सोसाइटी जो इसमें देख रही है और एक साढ़े को कंवर विजय प्रताप जी सोसाइटी है देख रही है, वो पूरे तरीके ना लगे हुए हैं तेजी ना, और मैं आस करता है कि इधर कोई ना कोई जल्दी हल निकले और जेड़े बदमाश ने उन्होंने असं छड़ना नहीं। ये बरगाड़ी और दूजे कोटकपूरा फायरिंग वगैरह जिते हुई है, बैबल कलां की फायरिंग हुई है, सारिया चीज़ा कढ़ांगे और जेड़े दोषी ने उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा दी जाएगी। शायद जो मन थोड़े आया हुआ है कई कि शायद जंगल कट के असं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। एक भी दरखत किसी जंगल का नहीं कटिया जाएगा। कि साढ़े मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में फीसा हूँ इन चुकिया गई कि साढ़े जो गरीब बंदे ने उन्होंने वास्ते मुश्किल है कि वह कैसे जाके डॉक्टर बन सकन। बेटा चक्कन का कारण ये जगदीप खोखर जी बोल रहे हैं पटियाले तो, कारण ये कि कोई 6-7 साल हो गए फीसा नहीं चुकी गई और दवाइया की कीमत आप सारे वाहेगुरु गुरु के सिख हैं, दसवें पातशाह के सिख हैं, अपने च एक किस्म का जोश भरया होया जो महाराज ने साडे विच दिता होया। और तुसीं ये पूछ रहे हो मैनूं सवाल कि 2000 नूं आपां देखांगे, 2001 नूं देखांगे या नहीं देखांगे, मैं तां जरूर देखूंगा और तुसीं भी जरूर देखोगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक हफ्तावारी सैशन शुरू किया होया जिस विच जनता वालों पूछे सारे सवालों के जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पेज से लाइव होके देंदे ने। सो इसे दे चलते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर लाइव होके जनता वालों पूछे अनेक सवालों के जवाब इस तरह दिते ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक मुद्दा चल रहा है जंगलों को कट के उत्थे पार्क बनाया जाना, इस मुद्दे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोलदिया कहा कि किसी भी हालत में जंगलों को कट के कोई भी पार्क नहीं बनाया जाएगा। तो कॉलेज दीआं फीसां वधाउण नूं लैके कैप्टन ने कहा कि नवीं तकनीकां लियाउण लई फीस वधाई गई है तो गरीब विद्यार्थियों लई भी कोई हल कढ़िया जाएगा। निजी हस्पतालों में कोरोना के रेटा के मामले से कैप्टन ने कहा कि पहला निजी हस्पतालों में रेट महंगे से 50-60 हज़ार तो घटा के हूँ असी 18 हज़ार कर दिते, तो ड्रेना की सफाई लिए भी 50 करोड़ रुपए जारी किए ने। उते ही आर्डिनेंस नूं लैके बोलदिया कैप्टन ने कहा कि अकाली दल का मन बदलेगा, अकाली दल बीजेपी के पिछे लग के यह सब कुछ कर रही है, खेती आर्डिनेंस किसानी के असी खिलाफ हाँ। उत्ते ही सब तो अहम मुद्दा जो कि इस वक्त भखिया होया गोलीकांड से बेअदबी से बोलदिया कैप्टन ने कहा कि इस मामले जल्द इंसाफ मिलेगा, दोनों मामले की बारीकी के नाल जांच की जा रही है और दोषियों को सख्त तो सख्त सजा दी जाएगी। दो तीन गल्लां तुसीं मैनूं सवाल कीते ने जिहड़ी मैं समझदा सारा पंजाब नूं सुनना चाहुंदा, क्योंकि बरसात आ गई और बरसात के विच हर साल कदे ना कदे हड़ आ जांदा, पिछले साल बहुत बुरी हालत हुई सी साडी, ते ऐतकी असीं पहले एडवांस ही शुरू कर दिता। पहला तो 50 करोड़ रुपया असीं दे दिता एकदम कि जिहड़े 2100 किलोमीटर ड्रेना ने उन्हां दी सफाई वास्ते, और इहदे विचों तकरीबन हुण सिरे पहुँचण वाली 1400 किलोमीटर तो पहले हो चुकी सी, हुण बाकी अगले 2-4 दिनों से खत्म हो जाना है। 42 फ्लड प्रोटेक्शन वर्क अंडरवे क्रिटिकल स्टेज ने, जिते जितों फ्लड आउंदी सी बंदे टुट जाते से वो सारी मुरम्मत असी कुछ पिछले साल कराती सी कुछ हुण करा रहे हैं, और ये सारा कुछ ये दोनों चीज़ा ये बरसात तो पहले, हुण बरसात तो शुरू हो ही गई है बट हुण तकरीबन असी कंप्लीशन ते हुण पहुँच गए हैं। भाखड़ा डैम चो पानी बहुत हो जाता सी क्योंकि बर्फा पिघलदियां सी, बर्फा भर दिंदियां सी इहनूं, इहदे वास्ते असी BMB नूं बेनती की सी कि ये फ्लड कुशन एक करन, आउटफ्लो जिहड़ी जांदी है पानी कढ़न वास्ते वो 3000 क्यूसैक्स पिछले दो महीने तो असी रिलीज़ करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा फ्लडिंग ना हो। हुंदा की है फ्लडिंग च भाखड़े जदों डेंजर लैवल ते पहुँच जाती है उदों फिर लोग पानी पूरा खोल देंगे ने और वो नाल फिर बंदे बुंदे टुट जाते हैं, तो असी एडवांस ही 2 महीनों तो इनू पानी छुड़वा रहे हैं ताकि नौबत ना आए सानू। पौंग डैम जिहड़ा है ये सिर्फ बारिश नाल भरता है तो सानू कोई उत्थे डर नहीं, इस वेले उत्थे भी पानी असी छुड़वा रहे हैं 15,000 क्यूसैक डेली ताकि इत्थे भी ना कोई इह जी गल बने। इस वेले उत्थे 1335 फुट है जिहड़ा इस जिन्ना पिछले साल से उस तो थोड़ा वाद वाद
रणजीत सागर डैम वो असी पानी छड़वा रहे 14,664 क्यूसैक्स वो लैवल हैगा 312 मीटर एक फुट पिछले साल नालों उच्चा हैगा जेडे सानू कदे कदे कोई बंदा टुट जाए उहदे वास्ते सारे असी बोरियां वगैरह का प्रबंध करके रखिया हुई ने एट जिथे जिथे सानू कोई शक है या कोई डर है कि इतने हो जाता काम ताकि एकदम असी भर के बोरियां नू उत्थे ला सकीए। यह तो पानी का मसला है। दूसरा तुसी मैनू एक बार बार आउंदा है कि मतेवाड़े की जमीन है जिहड़ी कि जंगलात की जमीन असी ले जा रहे। देखो पंजाब दे विच जंगलात कोई रहे नहीं और जेड़े थोड़े बहुते जंगलात हैं वो मैं बिल्कुल नहीं जान देने क्योंकि ये साढ़े वास्ते आब हवा वास्ते पंजाब वास्ते ये बहुत जरूरी है कि साढ़े जंगल पंजाब दे विच होन। उन्होंने तो तकरीबन सारी हुण हड़ दे थले आ गई तो अपने को इन्नी जमीन रही नहीं और बहुत थोड़े जंगल रह गए तो मतेवाड़े की जमीन फी जिहड़ा जंगल है देने का मतलब नहीं। ये जिहड़ी 956 एकड़ जमीन है उहदे विचों कुछ है एनिमल हस्बेंडरी महकमे की कुछ हॉर्टीकल्चर डिपार्टमेंट की जिते सब्जियां वगैरह या कोई इस्तेमाल नहीं हो रही कुछ ग्राम पंचायत सेखोवाल दी कुछ आलू दे एक सीड फार्मसी सरकार दा आलू दे बीज बनाने वास्ते उहदी 27 किले उत्थे और ग्राम पंचायत सवाल क्याणा इहदा है 20 एकड़ जमीन तो यह है 956 किले जमीन। तो यह जिहड़ा मन थोड़े आया होया कईआं दे कि शायद जंगल कट के असीं कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। एक भी दरख्त किसी जंगल का नहीं कटिया जाएगा। तुसी कई सवाल आप करते रहने मैं थोड़े नाल गल्लां भी करता रहना बार बार क्योंकि कई गल्लां थोड़े मन च हुंदियां ने और खास करके जब यह जी बीमारी फैली हुंदी है ना तो होर भी मन से कोई बोझ आ जाता है लोगों का कुछ गल्लां पुछण वास्ते तो मैं उहदा कोशिश करूँगा थोनू इहदा जवाब देण लई। तुसी एक तक गल सही तुसी कही है कि साढ़े मैडिकल कॉलेजेस वगैरह विच फीसा हुण इन्नियां चक्कियां गईआं कि साढ़े जिहड़े गरीब बंदे ने उन्हां वास्ते मुश्किल है कि वह कैसे जाके डॉक्टर बन सकन। बेटा चक्कण दा कारण ये सी, ये जगदीप खोखर जी बोल रहे ने पटियाले तो, कारण ये सी कि कोई 6-7 साल हो गए फीसा नहीं चुकियां गईआं और दवाइयां दी कीमतां होर थोड़े जिहड़े जिहड़े कुछ भी आपां नूं मशीनरी वगैरह डॉक्टरां उत्थे हस्पतालां दे विच लोड़ है वह सारियां दी कीमतां बहुत चढ़ गईआं। 8 साल दे विच तां दुगनियां तिगनियां हो जांदियां ने तो इस करके सानू ये करना पिया नहीं तो साढ़े डॉक्टर जिहड़े हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल खास करके उन्होंने कोई मशीनरी नहीं सी कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं सी कोई भी चीज़ नहीं सी जिहदे नाल सही असी टेस्ट करा सकीए। थोनों पता है जदों कोविड शुरू होया सी उदों 24 घंटे दे विच एक टेस्ट की रिपोर्ट आउंदी सी अगर थोड़ा कोई टेस्ट करके ले जांदा सी हुण 1 घंटे च आ जांदी है नवीं मशीनरी करके। और हुण मैं कल टेलीविजन से देख रहा सी कि ऑस्ट्रेलिया ने एक मशीन बनाई है जिहड़ी 2 मिनट च टेस्ट की रिपोर्ट दे दिंदी है। सो ये नवीं नवीं मशीन अगर आपां ने लियाउणियां ने अपने हस्पतालां च फीस बढ़ानी पऊ होर गवर्नमेंट दे कोल तां कोई होर चारा नहीं है। लेकिन जेड़े साढ़े हुण गरीब ने और जे थोड़ी गल अज तुसी कही है कि साढ़ा की होगा थोड़े वास्ते असी कोई हल कढ़ांगे ताकि असी थोनू भी अपने डॉक्टर बना सकीए। ना समझो कि थोड़े वास्ते असी नहीं सोच रहे कुछ दिनों दे विच इलाज करांगे असी कि किस तरीके नाल असी थोनू कॉम्पनसेट कर सकते हैं किस तरीके नाल थोड़ी कोई मदद हो सकती है ताकि तुसी भी मैडिकल स्टूडेंट बन सको। एक रविंदर बग्गा जी लुधियाने तो कहते हैं कि जी कोई ट्रक आते हैं जो बाहरों जैसे शंभू बैरियर से उत्थे शंभू तो कुछ दूर उधर ही अपने लिया लेबरां उतार देंगे ने और आप फिर शंभू टप जाते हैं और लेबर पैदल हो के शंभू क्रॉस करके निकल जाते हैं। देखो चाहे वह पैदल हो चाहे गड्डिया च हो हर बंद रोकया जाता और टेस्ट होंगे ने। लेकिन अगर ये जी तुम गल कही है ये रविंदर बग्गा जी मैं चैक कराऊंगा अगर ये कोई इन्हों कोई होर कोई तरीका निकलन का कि शंभू टप पास ही कर जो बाईपास ही कर जो असी जरूर पुलिस को कहेंगे यदा चैक करे और देखण कि कला बंदा अंदर आवे शंभू के विचों और अपना नोट करावे
और फिर ही अगे जाए ताकि टेस्ट होता रहे। तीसरा सवाल है सेवक सिंह जी का, तुसी प्राइवेट हॉस्पिटल जिहड़ा 18,000 रुपए दिन का लगा दिता, यह बहुत ज़्यादा है ट्रीटमेंट वास्ते। देखो कई किस्म के लैवल 1 लैवल 2 लैवल 3 होंदी है। लैवल 3 होंदी है जदों आइसोलेशन दे विच वेंटिलेटर वगैरह है, ये 18,000 उस वास्ते है, उस तो पहला तक कट है। लेकिन ये असी हुण जिहड़ी मशीनरी मंगवाई है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल लैवल 1 लैवल 2 और लैवल 3 की अवेलेबल है, सब तो नवी तो नवी मशीनरी है, तुसी उत्थे जाओ और उत्थे कराओ। नहीं तो यह जो हम 18,000 कह रहे हो, ये पहला तो 50-60-70,000 तक ये हॉस्पिटल चार्ज करते से, सानू नू लिया के थले 18,000 ते रखना पिया कि जिन्हें कराने वो करा लैन। बाकी हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट यही ट्रीटमेंट है, आही एक समान है, यही टेस्टिंग का समान है, यही साढ़े होर जेडे असी सानू लोड पैंदी है इस वास्ते कोई टेस्ट कराने की, वो सब कुछ साढ़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और तीनों लैवल का साढ़े कोल है, सब सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, उत्थे जाके तुसी उत्थोनू थोड़ा इलाज करा सकते। उत्थे करण तालीवाल जी कहते हैं, करण तालीवाल जी, आपां सारे वाहिगुरू दे गुरु दे सिख हैं, दसवें पातशाह दे सिख हैं, अपने च एक किस्म का जोश भरिया होया जो महाराज ने साडे विच दिता होया है। और तुसी ये पुछ रहे हो मैनूं सवाल कि 2000 नूं आपां देखांगे, 2001 नूं देखांगे या नहीं देखांगे, मैं तो जरूर देखूंगा और तुसी भी जरूर देखोगे। आ काम जिहड़ा है ना, ये सोचना कि पता नहीं होवांगे या नहीं होवांगे, ये खालसे दे विच गल नहीं आउंदी है, ये तुसी छड्डो, तुसी तां अरदास करो और तगड़े तरीके नाल काम करो और मन चो कढ दिओ ये गल बीमारी बमूरी। जब मन च नहीं होएगी तो हुण हुणी भी लगनी भी नहीं तुसी, पर वो जो मैं दसिया तुहानू मास्क पा के रखो जरूर, और ये गल्लां नहीं करनियां, ये शोभा नहीं दिंदी थोनों कि तुसी कहो कि मैं देखांगा, एक ही जरूर देखोगे और मैं भी देखांगा और आप इकट्ठे देखांगे। ये राजेंद्र सिंह जी पात्रा तो पूछते, बड़ा बड़ा अहम सवाल है कि दिन पर दिन पानी साडा घटता जा रहा है, धरती का पानी भी नदियों का पानी भी की होएगा, झोना साढ़े वास्ते बहुत जरूरी है, फसल वो बड़ी रकम आती है सानू, तो मैं थोड़े न सहमत है, ता ही असी नवे ढंग किए ने, ऐतकी 20% पंजाब ने डायरैक्ट सोइंग कर दिती, थोनू अपने नर्सरी बीजन की लोड़ नहीं, लेबर की लोड़ नहीं कि कढ़ के थोड़ा उत्थे ट्रांसप्लांटेशन करे, तो अपने तुसी उन्हों इस्तेमाल करो। सारी जो रिपोर्टा मैं आ रही ने बड़ी अच्छी चल रही है, फसल जिते 20% है और वो देखो कि थोड़ी लेबर बचेगी। जिते ताई पानी का मसला है, ये जरूर थोड़ी शंका सारे की शंका है, और असी एक इजराइल की कंपनी रखी हुई है उरे, उन्होंने रिपोर्ट दे रहे ने सानू, सारी वो पड़ताल कर रहे हैं कि इजराइल के तुम पता है इजराइल तो पानी नहीं रहा, 15 साल के सारिया नदियाँ उन्होंने खत्म हो जाएगियाँ, और पर उन्होंने को समुद्र है, वो समुद्र तो पानी कढ़ के अपना डीसैलीनेशन कढ़ के अपने इस्तेमाल करेंगे, पर साडे कोल इस वेले है, तो उन्होंने रिपोर्ट जब आऊगी कि असी पंजाब कैसा पानी अपना बचा सकते, और फिर असी एक वाटर अथॉरिटी साढ़े करण अवतार जी साबका चीफ सैकटरी से उन्होंने चेयरमैन लाया हुआ है, और उन्होंने ड्यूटी है कि 5 साल के सानू रिपोर्ट देन कि किस तरीके अपना पानी बचा सकते हैं। लेकिन हर पक्षों कोशिश करनी चाहिए, असी तो डायरैक्ट सीडिंग भी मैं थोड़ा दस तरीके एकदम बीज जैसे कणक आप बीजते हैं इस तरीके बीजा जाए, और पानी बचाओ पैसा कमाओ की एक स्कीम मैं चलाई सी ट्यूबवैलों वास्ते, कि ये पानी भी बचता है और तुसी पैसे भी कमाने, एक कि कित लोगों ने पसंद की कि लोगों ने नहीं पसंद की, कोशिश करके देखो, तुसी देखो ये स्कीम चला के चालू है साड़ी स्कीम, और तुसी देखोगे पानी भी थोड़ा कटूगा इस्तेमाल जो तुसी नीचों करोगे, और नाले तुसी ये दे पैसे भी कमाओगे। एक बार कोशिश करके देखो और फिर अगर थोनू ठीक लगे अपने गुआंढियों भी दसो, वो भी करेंगे ऐसे, ये एक ये तरीका है। और एक पानी की अथॉरिटी जो वाटर अथॉरिटी पंजाब की असी बनाई है, मैं तुम दसदा वो जो इजराइल इजराइलियों के नाल काम करेंगे और रिपोर्ट कोई कढ़नगे साढ़े वास्ते पंजाब वास्ते। करनैल सिंह जी पावरा फिरोजपुर तो
कि तुसीं इट्टा तुसीं कहा सी कि असीं अमृतसर गुरदासपुर जलंधर नूं असीं ट्रकां दे राहीं संगमरमर ते पठानकोट तों होर इट्टा वगैरह लै के असीं बेचते रहे हैं। एंड पठानकोट ते गुरदासपुर पट्ठे उन्होंने सानूं ये कर नहीं दिंदे, अपनी जो इट्टा बनाउंदे ने उत्थे वो आप बेचना चाहते हैं। कोई रुकावट नहीं किसी को, पंजाब दे विच या हिंदुस्तान दे विच खुली छुट्टी है, जो मर्जी अपनी बिजनेस करनी है जिस तरीके नाल तुसी करनी है करो। मैं डीसी गुरदासपुर और डीसी पठानकोट नूं एकदम दस रहा हूँ कि चैक करन कि कारण की है। कनैल सिंह जी तुसी जाके मिलना डीसी साढ़े नूं, उन्हां थोड़ा नाम ला के लैके उन्होंने देवांगे असीं और थोनू तुसी उन्होंने समझा देना कौन कर रहा है और वो आप ही एक्शन लेंगे जिहड़ा कुछ लेना है। गुरप्रीत कौर सिद्धू जी मानसा तो लिखते हैं कि मैं गुरप्रीत कौर हैं ते मेरे पिता जी अतवाद के समय इन्होंने मारिया गया सी, मैं उदो सिर्फ 10 साल की सी। तो हुण पंजाब पॉलिसी जो 1996 दे विच आई सी उहदे मुताबिक मैनू ग्रुप सी जॉब मिलनी चाहिए है। मैं कंप्लीशन हुण अपनी ग्रेजुएशन कर लेती, 11 साल तो बाद मैं फिर हुण डीसी नूं अप्लाई किया मानसे नूं, लेकिन मेरा मेरे को कह के कि 3-4 किले जमीन है मेरे मेरा नाम कटिया गया सी, इस तों ये कोई जमीन दे नाल संबंधित नहीं है, चाहे 3 एकड़ है तो 10 एकड़ है। अगर किसी परिवार दे किसी जी नूं अतवाद दे विच मारिया गया या किसी जैसे हुण शहीद हुंदे ने साडे फौजी या कोई होर किया गया, एक नौकरी उस परिवार को दी जाएगी। और बेटा पता नहीं थोनू ये क्यों किया इन्होंने, ये थोड़ा केस मैं मंगाऊंगा और मैं देखूंगा कि थोनू नौकरी मिले। अमित कुमार जी राजपुरे तो कि साढ़े राजपुरे थोनू पता राजपुरे बीमारी पहला होंगी सी कोविड की, बहुत हूँ काबू काफ़ी आ गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी गल बिल्कुल सही है कि लोग बहुत निकल रहे ने मास्क कम केयर। मैं थोड़े पटियाला पुलिस नूं दसूंगा कि सख्ती करन और अगर यह जे करते रहन फिर सख्ती नाल उन्हां दे चलान वगैरह होणगे और उन्हां नूं भुगतना पऊगा। तुसीं इलैक्शन दे दौरान कहा सी इह रख लैणे नरेंद्र कुमार पादू फाजिलका तों कि जिहड़े झूठे पुलिस केस हुए से वो स्पेशल टीम बनाई जाएगी। वो स्पेशल टीम तो उदों ही बनाती सी बेटा, उन्हें सारी पहला ही करता सी मैं, जस्टिस मेहताब सिंह गिल नूं असीं लाया सी उहदे च उन्होंने मुखी उत्थे बना के मुखी, और उन्होंने 4341 केस उन्होंने कोल चले गए से, उन्होंने कोल 3560 केस उन्होंने पूरे करते, जिहदे विचों 260 केस इन्होंने जो पुलिस ते हैं रेकमेंड किए ने कि बिल्कुल रद्द किए जाने। तो ये केसिस तो चल रहे हैं, अगर थोड़ा कोई रह गया होना तुसी भेज दो जस्टिस मेहताब सिंह कमेटी नूं और वो थोड़ा केस देख लेंगे। ये तुसी रखते हो मनदीप सिंह बरनाले तो कि खनारी बॉर्डर से पुलिस बड़ी साढ़े ते पैसे लेंदे ने, जब बॉर्डर क्रॉस कोई करते हैं मैं DGP साहब को भेज रहा ये सख्ती नाल असीं इसनूं चुकाइए, ये बिल्कुल गलत बात है और मैं हुण नहीं देनी उरे। राजू थिंड जी कि मैं पिंड मंडीवाड़ा गुर फिरोजपुर तहसील गुरु साहिब गुरुवर साहिब विच है कि मेरा सरपंच नूं पहला 30 लाख का गबन का कोई ये केस होया सी, हुण फिर 7 लाख होर ग्रांट दिती गई है इसनूं। मैं डिप्टी कमिश्नर कहूँगा कि इसनूं देखण की गल है, पहला की होया सी हुण की है, क्यों ग्रांट दिती गई है अगर किसी ने गबन के केस के फसे हुए, लेकिन जब ती असी ये रिपोर्ट आजूगी मेरे को फिर मैं दसूंगा थानू। तुसी रुपेश गगोरिया जी सत अपने मोहाली तो लिखते ने कि साढ़े जिहड़े चलान ने ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं, बाइक का या गड्डी का कोई चलान होए ये भी हो सकता है और दूजा भी हो सकता है चलान, लेकिन मैं उन्होंने कह दूंगा डिप्टी कमिश्नर नूं कि ऑनलाइन भी असी थोड़ी अगर किसी ने ऑनलाइन करवाना है करवा, जिन्हें उत्थे अपना फाइन उत्थे ही भरना है उत्थे ही भर ले। रुपिंदर धीमान जी कहते हैं कि मेरे साढ़े वास्ते
हेल्थ कार्ड का कोई फैमिली का प्रबंध करो। बेटा मैं पता नहीं ये थोड़ा क्यों नहीं केस, क्योंकि असं तकरीबन 10 लाख तो उपर किसानों असं दे चुके हैं, कार्ड वगैरह बीमा वगैरह उन्होंने कराई हुई है। तो तुसी अगर कोई तुसी रह गए हो तो सानू तुसी अतला करो, मैं चेक करवाऊंगा कि तुसी क्यों रह गए। और थोड़ा भी अगर तुसी उस कैटेगरी दे विच आउंदे हो कि असी जरूर थोड़ा भी करवा के देवांगे। गुरप्रीत गिल जी, तुसी इस ऑर्डिनेंस बारे जिहड़ी पास कीती है विची अकाली दल विची बीजेपी और सेंटर दी सपोर्ट कर रहे हैं, इस असी थोनू पता है कांग्रेस पार्टी और साडे सारे समर्थक जिहड़े पंजाब दे विच सियासी पार्टियां ने आम आदमी पार्टी और होर और नाले किसान यूनियनस ने रल के सारे ने इहदे विरोधता कीती है कि बिल्कुल खराब गल है। एक बार ऑर्डिनेंस पास हो जाता है फिर ऑर्डिनेंस जाता है पार्लीमेंट, पार्लीमेंट में बिल बन के उन्हें पास कर देते हैं, फिर एक्ट बन जाता है और उस तो बाद फिर जो मर्जी सरकार करे बदले ना बदले साढ़े हाथ तो बाहर जाएगी। असी क्या सी कि सानू रल के हर पार्टी नू एदा सामना करना चाहिए ताकि असी इस नू रोक सकी। अकाली दल ने नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की, बीजेपी ने तो करनी ही नहीं सी क्योंकि उन्होंने सरकार लेके आई है, लेकिन अकाली दल नू सोचना चाहिए सी कि तुसी जिहड़ा अज कदम चक रहे हो उहदे नाल तुसी पंजाब दी किसानी नू टोटल बर्बाद कर दोगे। मैं आस हुण भी करदा कि अपना मन बदल लैणगे। सचिन तंड जी पटियाले तो, तुसी कहो कि पटियाले दे विच साडे केस बड़े बढ़ रहे ने, पता है बेटा मैनू कि थोड़े बढ़ रहे अपने बढ़ रहे ने पटियाले च और 10 दिन 400 केस बढ़े ने, बाकी शहरों के भी, लेकिन जैसे मैं थोड़ा आंकड़े हूँ पढ़ के सुनाए ने काफ़ी कंट्रोल है साडा। बाकी सूबे तो देखो हरियाणे की हो रहा है, देखो जम्मू कश्मीर जैसे सारे पहाड़ी इलाके उत्थे भी की हो रहा है, दिल्ली भरिया पे है, राजस्थान भरिया पे है, सारे ही सूबे भरे पे ने, सिर्फ केरला तो आप काबू के हैं और हूँ अगे वधा है, काबू वधानी है थोड़े और साढ़े हाथ में है। तो जिहड़ियां तुसीं अगर किसी नूं देखदे हो शहर दे विच घूम रहा है उन्हूं समझाओ कि अपना मार्क पाए, अगर मां नहीं सुनदा फिर उत्थे पुलिस की गश्त होगी, उन्हां नूं दसो वो थोड़ा कराउणगे, क्योंकि ये तरीका जिहड़ी कोई गैर जिम्मेवारी की गल करदा है उहदे नाल ही अपने शहरां दे विच, और मैं नहीं चाहुंदा कि मेरे पटियाले दे विच इह जी गल उत्थे होवे, पर मैं सारे शहर मेरे पंजाब दे विच इहदे विच असीं होण नहीं देणी। इस वेले 3-4 शहर ने जिथे अपने सब तो ज़्यादा है, एक है लुधियाना, एक अमृतसर, एक जलंधर और एक संगरूर, संगरूर ज़्यादा मलेरकोटले दे विच, ये 4 जगह है जिथे ज़्यादा है। मलेरकोटला कुछ कंट्रोल च आ रहा है हूँ और होर भी असी कंट्रोल करन लगे ताकि पंजाब नूं असी कटाईए। जैसे मैं तुहानूं दस्या सी असी 350 नूं क्रॉस करता साढ़े केसिस डेली बेसिस ते, उहदे विचों असी टैसटिंग करके ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं ये टैसटिंग करके नहीं सोचता, मैं चाहना कि टैसटिंग भी होवे और साढ़े केस भी ना हो, ये हालात मैं बनाने ने पंजाब च, और उत्थे तुसी सारे रल के मेरी मदद कर सकते हो। गगनदीप जी फरीदकोट तो कहते हैं बरगाड़ी का इशू जल्दी करो यदा हल, थोनू पता है असी दो अपने बनाइया ने SITs, एक तो कटरा SIT जो इसनों देख रही है और एक साढ़े कोल कंवर विजय प्रताप जी SIT है देख रही है, वो पूरे तरीके ना लगे हुए हैं तेजी ना, और मैं आस करता है कि यहाँ कोई ना कोई जल्दी हल निकले। देखो दसवीं गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कोई भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, हिंदू सिख मुसलमान जो भी साढ़े पंजाब च हो सब गुरुआं मनते हैं, गुरुआं का सारा इतिहास, पंजाब का इतिहास, साडा धार्मिक इतिहास, सिखां दा सारे कुछ सारे जानते हैं, कौन करेगा इस गल नूं, कोई बदमाश ही करूँगा, और जोड़े बदमाश ने उन्होंने असी छड़ना नहीं। ये बरगाड़ी और दूजे कोटकपूरा फायरिंग वगैरह जिते हुई है, बैबल कलां की फायरिंग हुई है, सारिया चीज़ा कढ़ांगे और जोड़े दोषी ने उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा दी जाएगी। परमजीत कौर जी लुधियाने तो तुसी पूछे मैनू कि ओवर क्राउडेड बसा ने उहदे विच की कर सकते असी, बेटा गल ये सी कि असी पहला रखिया सी
कि सिर्फ अद्धा अद्धी बस एक स्पेसिंग रखी सी सारे मिनी बसा विच भी बड़े बसा विच भी। फिर की होया इस दिल्ली की हकूमत ने किन्नी बार चकता पेट्रोल और डीजल का भाव कि अज 10 रुपए डीजल पहले नालों वाधू एक साल च इन्नी वधाती है। और जो तुम इन्ना डीजल का या पेट्रोल का प्राइस बधाओगे तो फिर बसा अगर अद्धे तुम उन्होंने रखोगे कि उत्थे जेडे उन्होंने मुसाफिर ने सिर्फ अद्धे हो सकते हैं फिर वह कैसे कमाएंगे कुछ वो सारिया सारी मिनी बसा खड़ गई सारिया बड़िया बसा खड़ गई। तो सानू यह कहना पिया कि चंगा तुम अपनी हर सीट बेच दौ लेकिन एक शर्त होएगी कि कोई नहीं चढ़ेगा जब तक वो मास्क नहीं होंगे और जेड़ा कोई कोई बीमारी के हालात है वह जो कंडक्टर है वह देखे उन्होंने अगे चढ़न ना दौ किसी बस से बीमारी वाले नूं बाहर रखो और बाकी जेड़े बैठेगा अपना मुसाफिर उन्हूं मास्क बगैर बैठन ना दिओ। ये दो गल्लां ने तां सानूं इह करनी पई। अगर मैं इहनूं बंद कर दांगा और फिर उही करांगा कि एक सीट छड्डो फिर साडी ट्रांसपोर्ट ही पंजाब दी बंद हो जाणी है किसी नूं कोई पिंड नहीं जाया जाणा किसी नूं शहर नहीं जाया जाणा इस कारण असीं इह कीता सी। कुलदीप सिंह जी गुरदासपुर तो कह रहे हैं कि एक वायरल वीडियो हुई है कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफिशियल पता नहीं मैं डीसी नूं ऑलरेडी टेलीफोन करता कि इहदा पता करें कि कहड़ा स्कूल है जिते अज बच्चे जा रहे हैं क्योंकि साड़ी बैन लाई हुई है कि कोई स्कूल च नहीं जा सकता तो कौन है ये कहड़ा स्कूल है और इहदा सख्त कार्रवाई असीं करांगे क्योंकि यह नहीं कि मैं नहीं चाहता कि बच्चे ना पढ़न पर जदों इकट्ठे होणगे फिर एक करोना स्प्रैड करन दा एक चांस बन जाता है और वह मैं हो नहीं देना। उसे अमन कुमार जी जलंधर तो कि एस सी बी सी स्टूडेंट्स आर डिक्रीजिंग एवरीडे क्योंकि उन्होंने जी स्कॉलरशिप होंगी सी बंद हो गई। बेटा यह स्कॉलरशिप होंगी सी सेंटर तो दिती हुई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिंदी सी स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हूँ इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दी लेकिन मैं समझदा कि असी नहीं चाहते कि तुम ना पढ़ो असी यदा कोई हल कढ़ांगे और मैं बड़ी जल्दी यदा कोई हल कढ़ के थोनों दसांगे। असी सुखदेव सिंह जी सिद्धू कलानौर तो गुरदासपुर च कि 4500 पंप सोलर पंप दिते गए से किसानों नूं सानू पता नहीं सी हुण असी भी चाहुंदे आ हुण ए सी 4500 पंप जो सेंटर तो आए से 30% सबसिडी दे नाल उह 45 तां चले गए हुण दूजी स्कीम चलन वाली है सेंटर तो जदों चालू हो जूगी तुसीं इकदम अपना नाम नोट कराओ और होर भी जिहड़े चाहुंदे ने और असीं जरूर तुहानूं दुआ के छड़ांगे। ये थे थोड़े ऐतकी अज दे सवाल वाहिगुरू करे तुसीं हुण एक हफ्ते तो बाद मिलांगे आपां लेकिन इस हफ्ते च तुसीं थोड़े परिवार सारे सुखी रहन। अगर किसी नूं किसी चीज़ की लोड़ है यह हफ्ता इंतजार करन की लोड़ नहीं तुसीं मैनूं टेलीफोन करके दस दिओ। अगर तुहानूं किसी चीज़ की लोड़ है कोई बीमारी है किसी नूं हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम है या कोविड दे नाल कोई संबंधित गल है जरूर दसो और मैं जो भी हो सकता थोड़ी मदद करन नूं हर वेले हो रहेगा। तो बस चढ़दी कला च रहो और वाहिगुरू थोड़े और थोड़े परिवारों नूं सुखी रखन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जय हिंद। सो दस दिए कि हुण इन्हीं दिनी जिहड़ा मुद्दा पख्या होया ओह बेअदबी दा मुद्दा पख्या होया जिस नूं लै के सियासतदानां वल्लों आपो अपनी बयानबाजी दित्ती जा रही है अते सरकार नूं इस मुद्दे ते अपना बयान देण लई भी कहा जा रहा। सो इस दे चलदे हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जल्द ही बेअदबी ते गोलीकांड दे विच जांच दे विच कारवाई कीती जाएगी अते दोषियां नूं सख्त तों सख्त सजा दित्ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाब।